say bye bye. Bye bye. Bye. मैं जाना पैमा भैया पैमा ट्रेन नंबर था 15603 गुवाहाटी लिदो इंटरसिटी एक्सप्रेस और रात का कुछ 4:30 बजा है, 5 बजने वाला है और मैं पहुंच गया हूं दिमापुर में। और मुझे सच कहूं तो आता पता कुछ है नहीं कहां जाने वाला हूं, बस एक दो जगह का नाम मुझे पता है। अभी यहां पे ढूंढूंगा शेल्टर, फिर करेंगे बात भाई। बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा। सिटी है नागालैंड का जो है दिमापुर, जो है लार्जेस्ट सिटी है। सो यहाँ से जो है अभी चलेंगे कोहिमा की तरफ, उससे पहले करूँगा बस का टिकट। और अभी दिन का कुछ 1 बजने वाला है। एक टिकट दीजिए कोहिमा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये रहा भाई टिकट 130 रुपीज़ का दिमापुर टू कोहिमा। टैक्सी वाले भाई से मैं पूछ रहा था और उन्होंने कहा 330। और यहाँ पे एक चीज़ सही है, हर चीज़ जो है ना फिक्स्ड है। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हो और आपको ये लोग आपको ठग देंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो है हर जगह पे ना लिखा रहता है कि टैक्सी का फेयर इतना है, बस का फेयर इतना है, हर चीज़ जो है क्लियरली लिखा होता है। तो यहाँ पे स्कैम होने की उतना ज़्यादा चांसेस है नहीं। ये है मेरा बस, इससे चलूँगा कोहिमा। 2 घंटे के आसपास जर्नी होने वाला है। जगह का नाम है पिफिमा, जो है यहाँ पे रुका हुआ है चाय पीने के लिए, ये जो देख रहे हो। और इस तरफ है कोहिमा, अभी भी 30 किलोमीटर के आसपास है ना ट्रैवल करने का। अगर आप नागालैंड आ रहे हो और दिमापुर से आपको अगर कोहिमा जाना है तो सबसे इजीएस्ट वे है, दो तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका वो है एक बस है और एक टैक्सी है। टैक्सी में जाओगे तो 330 रुपीज़ चार्ज करेंगे और अगर बस पे जाओगे तो 130 रुपीज़ चार्ज करेंगे। कि बस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और अगर टैक्सी में जाओगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये बड़े भाई जो है इनको मैं पूछ रहा था जगह के बारे में, ये मेरे साथ खड़ा साइड के साइड में सीट में बैठे हैं, इनको मैं पूछ रहा था जगह के बारे में। कई बार होता क्या है ना, आप अगर मैप पे जगह सर्च करोगे तो कहीं और लेके चला जाता है। तो आपको अगर नेविगेशन जानना है कहाँ पे जाना है लोकल एरिया में, स्पेशली इंटर एरिया में जब आओगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो भाई जैसे लोकल आदमी अगर आपको मिल जाए ना वो बता पाएंगे सही जगह कहाँ पे जाना है, कैसा होता है और किस जगह पे जाओगे तो सही रहेगा। अच्छा होता है ना, अच्छा जगह कैसा चाहिए। अगर आप एक ट्रैवलर हो, अगर आप अच्छा जगह घूमना है तो लोकल लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। सो बड़े भाई ने मुझे मदद किया, साइड में बैठ के मुझे बता रहे थे कि जाना कैसा है, कैसे करते हैं। थैंक यू। 10 पहुँचने ही वाले हैं और 15 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। कोहिमा में जो है एंट्री कर रहे हैं। पहुंच गया हूँ कोहिमा, सिर्फ 4:30 बजा है भाई और यहाँ पे अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी। देखिए कोहिमा में मैं फिर से वापस आऊँगा, अभी जाना है जुको वैली, जखमा बोल के एक जगह है वहाँ पे जाऊँगा, उस गांव में, उस गांव में जाकर रात को स्टे करूँगा। और जुको वैली में पहुँच नहीं पाऊँगा आज, वो बस का टाइम हो गया, भैया बुला रहे। यहाँ पे आके भाई जैकेट पहनना पड़ गया, इतना ज़्यादा ठंड है, 10 डिग्री के आसपास है अभी दिखा रहा है। और रात को जो है 5 या 6 डिग्री के आसपास चला जाता है, 4:30 बजे शाम हो चुका है यहाँ पे। और मैं परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे पहुँचा हूँ भाई, यहाँ पे उतरते ही जो है 5 मिनट में मुझे एक बस मिल गया भाई। जखामा विलेज में पहुँच गया हूँ मैं, शाम का सिर्फ 5 ही बजा है। और भाई एक चीज़ मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया आज की, मुझे शाम से पहले जो है, अगर शाम हो गया ना अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहाँ पे रुक जाना चाहिए था। मैं क्या किया, थोड़ा रात हो गया और मुझे लगा यहाँ पे जल्दी पहुँच जाऊँगा पर पहुँच नहीं पाया। और यहाँ पे आके जो है जगह मिला नहीं रहने के लिए और एक अभी फ़िलहाल एक होम स्टे लिया हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा है भाई, प्राइस 1500 बोल रहे एक रात के लिए रूम का। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा था, तो ओनर से मैं उनके साथ बात करके उनको बोला कि मेरे पास कैंप है, मैं यहाँ पे कहीं पे कैंपिंग कर सकता हूँ। जब नया जगह पे जाता हूँ ना तो ऐसे छोटा छोटा गलती हो जाता है और ऐसे गलती से मैं सीखने की कोशिश करूँगा, ऐसे गलती नहीं करूँगा उससे आगे से। यहाँ पे मैं रुका हुआ होम स्टे पे, यहाँ पे किचन है, आंटी जी जो है खाना बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं आप खाना, खाना
क्या बन रहा है? दाल आलू फ्राई। दाल आलू फ्राई और इसमें खाना हो गया है? दाल है, दाल। अच्छा अच्छा, अभी बना रहे हैं आप? अच्छा, किचन तो बड़ा शानदार है आंटी जी का। Yeah, it's like 10 degree here right now. So 10 degree के आसपास है भाई, और ये जो है ना हमेशा जला ही रहता है ये देखो ये चूल्हा। No, if I need, I will tell. Okay? This will do. So ये रहा भाई आज का खाना मेरा होमस्टे का। ये क्या है? बोल देंगे थोड़ा? Can you tell me this one? This is the mixed veg, I guess. Yes, aloo. This is potato fry and this cauliflower. Mixed veg. Yes. Right? Basically, so and this one is dal. And the omelette. Okay. Thank you for the food. Okay, then. Good night. Okay, I'll go night. To sleep. Okay? Oh, okay. Okay. Bye-bye. Bye-bye. So, भाई डिनर खत्म करके जो है अभी जा रहा हूँ अपना कैंप पे, जहाँ पे मैं कैंपिंग कर रहा हूँ इनके यहाँ पे होम स्टे पे नीचे जंगल के अंदर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और एक नई सुबह और एक नया दिन। आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन, लाइक नेवर बिफोर। नेवर बिफोर तो भाई हो ही रहा है। इससे पहले मैंने 5 डिग्री में कभी कैंपिंग नहीं किया था, सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मेरा आँख में देख के आपको पता ही चल रहा होगा, ऑलरेडी जो है दिन का 8 बजने वाला है, और अभी अभी मैं नींद से उठा हूँ, नींद से उठ के थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ। और ये है एक होम स्टे, मैं इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा बस। सो ये जो है कल रात को मैं यहाँ पे पहुँचा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। रात को यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है मेरा बैटरी भी ख़त्म हो गया था कैमरे का, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो बस से एक लड़की मिली, जो लड़की मुझे यहाँ तक लेके आई हो। मुझे अता पता कुछ था नहीं कि कहाँ पे जाना है क्या करना है। तो मैं जब कंडक्टर से बात कर रहा था, बस पे साइड में एक लड़की थी, वो लड़की आ रही थी, वो अकेली थी, और वो मुझे यहाँ पर लेके आई। और उसका घर कहीं पे यहाँ से 2-4 किलोमीटर पीछे था, तो वो मुझे मदद करने के लिए यहाँ पर लेके आई। तो उस लड़की को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई, उसने मुझे आके यहाँ पे ये होम स्टे दिखाया और फिर वो चली भी गई, और मैं उसको थैंक यू भी नहीं बोल पाया भाई। इस गांव का नाम जखामा है, और कोहिमा से 15 किलोमीटर बाद मणिपुर बॉर्डर से कुछ 15 किलोमीटर पहले ये जगह आता है। सो अभी मैं करूँगा भाई इसको पैक, और पैक करके जो है यहाँ से निकलूँगा। सो अब मैं उनसे मिलाता हूँ जिनके यहाँ मैं रुका हुआ था, जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ था। हेलो हेलो, हाय हेलो सर, हाय। सो ये है सर जिनका होम स्टे है, ये जहाँ पे मैं रुका हुआ था, और मेरे लिए जो है कह सकते हो ऑलमोस्ट फ्री है। यहाँ पे जो रुका था ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं यहाँ पे रुका हूँ ऑलमोस्ट। इनका जो होम स्टे का जो नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, अगर रुको भूली जा रहे हो तो आके रात को यहाँ पे स्टे कर सकते हो, है ना है सर? Thank you. She's a very good cook. Okay, bye. Okay, bye-bye. Okay, I'll call you, sir. Yeah. I have your number. Yeah, please call me up. Okay, okay. Alright. Thank you. Yeah, welcome. नागालैंड आ रहे हो तो स्पेशली लेकर जुको वैली जा रहे हो, तो यहाँ पे नाइट स्पेंड करके जो है सुबह सुबह आप जुको वैली के लिए निकल सकते हो, क्योंकि एक ही दिन में आपको अगर नागालैंड आके फिर एक ही दिन में जुको वैली जाना है तो थोड़ा सा मामला संगीन हो सकता है। सो यहाँ पे एक रात स्टे करके अगर आप जाओगे तो सही रहेगा। और मुझे आता पता कुछ था नहीं, बस में एक लड़की मिली थी और वो लड़की जो है मुझे मदद की और यहाँ तक लेके आई। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं कल कहाँ पे रुकता क्या करता वो मुझे नहीं पता। ये देख रहे हो भाई, जखमा विलेज। चीज ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलता है, घर के अंदर जो है ना, स्पेशली जब गांव के अंदर जाते हो तो बाउंड्रीज नहीं होता है। ये देखो घर, घर में ऑलमोस्ट कोई घर में जो है बाउंड्रीज नहीं है, चोरी चकारी ये सब नहीं होता है यहाँ पे ज़्यादा, इसकी वजह से घरों में जो है बाउंड्रीज नहीं होता है। चल चल के जो है अभी रोड तक, मेन रोड तक जाऊँगा और वहाँ से लिफ्ट लूँगा और जुको वैली की तरफ निकलूँगा। सो मेरे दोस्तों, जाते जाते कहना ये है, हंसते रहिए, क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए। जय हिंद।